पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकभवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धांजलि और उनको नमन करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि राजनीति में देश के पूर्व पीएम की पहचान आजाद शत्रु के रूप में थी और ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कई बातें मीडिया से साझा की। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहाँ से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर श्रद्धेय अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। श्रद्धेय अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए, भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए। जी योगी जी हैं, अभी उनकी बहुत लंबी पारी है और हर पारी पे अपना रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। मैं समझता हूं कि योगी जी ऐसा कोई दूसरा बहुत समय तक नहीं होने वाला। देखिए ये मेरा सौभाग्य था कि माननीय अटल जी के 5 चुनाव में मैं उनकी चुनाव संचालन समिति का कार्यालय के प्रबंधन व्यवस्था से मैं जुड़ा रहा और माननीय अटल जी का जो अंतिम चुनाव था उसमें लगभग बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मेरे जिम्मे थी। अटल जी मैं कह सकता हूं कि लखनऊ अटल है और अटल लखनऊ है। अटल जी का रग रग
जो अंतर मन था, जो उनका मन और मस्तिष्क के विचार थे, वो सब लखनऊ में समाहित होते थे। वो कहते थे बख्शी तालाब में एक जगह को कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं वही रहूंगा। फिर दूसरा वक्तव्य उनका आता है कि रिटायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं हूँ। अटल जी का एक वाक्य दिशा परिवर्तन के लिए काफ़ी होता था। और अटल जी का जो विपक्ष के प्रति उनका भाव था, तो उनके शब्दों में भी एक मार्गदर्शन हुआ करता था। वो कहते थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक दूसरे के पूरक है। विपक्ष जब सकारात्मक भूमिका से नकारात्मक स्टंट बनाने की तरफ चला जाता है किसी विषय को, तो लोकतंत्र पर आँच आना संभव होता है। अटल जी के ऐसे प्रसंग रहे हैं कि उन्होंने सत्ता पक्ष को भी विपक्ष में रहते हुए अटल जी ने अपना समर्थन दिया है। और उन्होंने किसी भी सकारात्मक चीज़ के लिए उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अख्तियार किया। अटल जी बहुत समय तक याद आएंगे भारतीय राजनीति के एक भीष्म पितामह के रूप में और एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो सब में लोकप्रिय थे, जो जाति से ऊपर थे, धर्म से ऊपर थे, लेकिन कर्म के कारण वो एक कर्मवीर पुरुष के रूप में जाने जाते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। लखनऊ बिल्कुल एक गमगीन अवस्था में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लेकिन आज के दौर में सर विपक्ष लगातार जो अपराधी घटनाएं हो रही हैं उस पर भी अपराधियों का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। कन्नौज में सपा मुखिया, मैं यही कहना चाह रहा था, अभी गोमती नगर के एक प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी ने दूसरा रुख अख्तियार किया है। अभी जो कन्नौज की घटना है, उसके पहले जो आपका दूसरी जगह पर घटना घटी थी अयोध्या में, तो समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा वो पीड़ित पक्ष के साथ ना रह के वो जो पीड़ा देने वाला अपराधी पक्ष था उसके संरक्षण में दिखाई पड़ा। राजनीति में अपराधीकरण ना हो और अपराधीकरण से राजनीति मुक्त हो, ये अटल जी का एक सपना था। और आज उसी सपने को मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरा कर रही है। कि तो मैं कड़े शब्दों में आलोचना कर रहा हूँ, बाकी कानून अपना काम करेगा, उसमें जांच पुलिस कर रही है और जांच के आधार पर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड पे कहा है कि उसकी बहुत ज़रूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, कई लोगों ने इस पर राय भी पहले दी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने भी कहा है, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस समय सामान्य नागरिक संहिता लागू भी है, कहीं कोई विवाद नहीं है। और अब देश की ज़रूरत है, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 40 करोड़ से हम 140 करोड़ हो गए, तो अब बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना चाहिए। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव